हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने पर्पल से क्या कुछ बाय किया है। रिसेंटली पर्पल पे सेल चल रही थी, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां से ऑर्डर किए हैं, तो जो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। तो लेट्स बिगिन कि मैंने आज पर्पल से क्या कुछ लिया है। तो मैं आपके साथ सारे प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी, कोई रैंडम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। purple.com की अगर हम बात करें तो पर्पल पे वैसे तो सारा साल ही डिस्काउंट्स में मिलते रहते हैं, बट ड्यू टू दी फेस्टिव सीजन बहुत ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिले थे और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी पर्पल पे लॉन्च हुए थे। पर्पल के प्रोडक्ट्स की बात करें तो बिल्कुल क्रुएल्टी फ्री होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, स्किन को सूट करते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बाकी जो रेंडम कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं वो तो खैर डिस्काउंट पे मिलते हैं, बट पर्पल के जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने किया है स्टार डस्ट मिनरल रिच लूज पाउडर फ्रॉम पर्पल। पर्पल का ये जो है, दिस इज इन द वेरिएंट जैस्मिन 03। दिस इज द पैकेजिंग, इट लुक्स लाइक ट्रांसलूसेंट पाउडर है। आप क्वांटिटी देखो, इट इज वेरी नाइस। और ये बहुत फ्रॉस्टेड सा जार है, इट इज नॉट ऑफ ग्लास, प्लास्टिक का ही है बट फ्रॉस्टेड सा है। बहुत अच्छी सी पैकेजिंग है और इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है। मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी इनका रिव्यू वगैरह सब कुछ। उसके बाद आई हैव गॉट दिस फेसेस कैनला अल्टाइम प्रो की जो है एल्यूमिनेटिंग स्टिक। ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए थी बट मुझे मिल नहीं पा रही थी, फिर मैंने पर्पल पे देखी तो इट वॉज अवेलेबल। दिस इज द प्रोडक्ट और बिल्कुल भी इसमें अगर आप कहो कि शिमर पार्टिकल्स हैं, नहीं है, बहुत अच्छी सी शाइन दे रही है। यू कैन सी दिस कि बहुत प्यारी सी शाइन दे रही है, बहुत सटल सी, बहुत अच्छा सा हाइलाइटर है। फेयर स्किन टोन वालों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करेगा। फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था स्टे कोकी का प्राइमर प्लस सेटिंग स्प्रे। देन आई गॉट विश केयर का 100% प्योर एंड नेचुरल रोज वाटर। ये इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं विश केयर के। देन आई गॉट फेसेस कैनेडा का जो क्लिंजिंग है, मेकअप रिमूवर क्लिंजर विद रोज वाटर विच इज क्लिंज टोन एंड नरिश। बड़ी क्यूट सी पैकेजिंग है, ये पिंक से कलर का है, आप शेक करोगे तो देन यू विल यूज इट। बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है ये भी। देन आई गॉट दी विटामिन ई फेस क्रीम, दिस इज द नरिशिंग क्रीम फ्रॉम पर्पल, ये गुड वाइब्स की है। उसके बाद आई हैव गॉट दी गुड वाइब्स एज डिफाइंग एंड मॉइस्चराइजिंग डे लोशन एलोवेरा एंड विटामिन ई का। ये मैंने भी खोला नहीं है तो बट आई गेस की बहुत अच्छा होगा क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। देन आई हैव गॉट दी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइंड फ्रॉम पर्पल, ये है उनकी करेक्टिंग पैलेट इन द शेड 01 सिटी एजेंट। यू कैन सी इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे स्किन टोन्स के लिए हैं सारे शेड्स। आप इसको एज एन करेक्टर भी यूज कर सकते हो और फुल फेस मेकअप जो है वो भी आप इससे कर सकते हो। यू हैव येलो फॉर हाईलाइटिंग, ग्रीन आपके रेडनेस कवर करने के लिए, ऑरेंज फॉर योर डार्क सर्कल्स, दिस वन ब्राउन फॉर योर कंटूरिंग, ये पीच शेड जो फेयर लोग हैं, मैं जैसे हूं, तो अगर मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो आई कवर इट अप विद दिस। और ये पर्पल जो है, दिस इज फॉर योर वेन्स जो आपकी दिख रही होती है ग्रीनिश चीज को आपकी हाइड करने के लिए, तो दिस इज वेरी मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। देन आई गॉट दी पर्पल का ड्रैगन फ्रूट ट्रॉपिकल केस बॉडी योगर्ट। आगे मौसम चेंज हो जाएगा तो आई नीडेड दिस एंड आई टेल यू व्हाई। दिस इज दी पैकेजिंग, इतनी प्यारी पैकेजिंग है बाय दिस। और अगर हम बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की और इसकी लुक की, तो बिल्कुल जैसे ड्रैगन फ्रूट होता है ना, बाहर से पिंकिश सा, अंदर से वाइट्स और बीच में बीज होते हैं, सेम इज दिस। आई शो यू, यू कैन सी दिस, कैन यू सी, इसमें आपको बीज भी नजर आएंगे जैसे ड्रैगन फ्रूट में है। दिस इज द सेम। और अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट जैसी है, लुक एट दिस कंसिस्टेंसी। तो ये आई हैव ऑर्डर्ड दिस वन ऑल्सो, और बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। आगे जरूरत पड़ेगी इनकी क्योंकि मौसम चेंज हो जाएगा तो यू नीड इट फॉर ड्राई स्किन। देन आई गॉट द पर्पल की फाउंडेशन कंसीलर स्टिक, दिस इज द न्यू लॉन्च बाय पर्पल। और मेरे इसमें शेड मंगवाया था 5 आलमंड जेज फॉर माई कॉन्टोरिंग। सो दिस इज द स्टिक, ये ऐसी सी स्टिक आती है एंड दिस इज द प्रोडक्ट इनसाइड। आई विल शो यू, बहुत क्रीमी सा प्रोडक्ट है। दिस इज द कलर आलमंड चेज का नंबर 5। तो दिस आई हैव गॉट, देन आई हैव गॉट द पर्पल की ब्लश स्टिक, दीज आर द न्यू लॉन्चेस फ्रॉम पर्पल। ये ब्लश स्टिक है एंड इट इज इन द शेड क्रिम्सन किलर। तो
तो मैं आपको इसका भी जो कलर है वो दिखाती हूँ कि कैसा सा कलर है इसका। ये बहुत पिंकिश सा है, सेम स्टिक है, एंड दिस इज द शेड। ओके, देन आई गॉट दी पर्पल का प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रेयॉन इन दिस शेड नेवर हैव आई एवर टाइम 3। तो ये भी बहुत अच्छा है, इनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिप क्रेयॉन है एंड द पैकेजिंग बड़ी प्यारी है। दिस इज द शेड, न्यूडिश ब्राउनिश सा शेड है इसका। सॉफ्ट मैट है तो आगे सर्दियों में भी काम आ ही जाएगी। देन आई गॉट नेल पेंट्स फ्रॉम दी ब्रांड NY Bay और मैंने इसकी 3-4 जो है वो ऑर्डर की थी। दिस वन इज ग्लिटर्स वाली, देन दिस इज ऑल्सो वेरी मच स्टार डस्ट वाली, दिस इज दी विद पार्टिकल्स वाली जो इसमें क्रश्ड पार्टिकल्स होते हैं व्हाइट में, एंड दिस इज दी पर्ली व्हाइट वाली। सो आई हैव गॉट दीज। देन आई गॉट दी ब्यूटी ब्लेंडर्स न्यूली लॉन्च्ड बाय पर्पल। दिस इज दी पर्पल ब्लेंडिंग क्वीन ब्यूटी ब्लेंडर एंड इट इज अ सेट ऑफ 7, ऐसे जार में ही आता है एंड बहुत सारे शेड्स हैं इसमें। आई हैव गॉट दिस ब्लू वन, इसमें हर शेप का है, टीयर ड्रॉप है, वन साइड फ्लैट है, छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स भी हैं फॉर ट्रेवलिंग पर्पसेस। तो आई गेस दिस इज वेरी नाइस। एंड देन आई गॉट दिस पर्पल का टोटल ब्लेंड मेकअप स्पॉन्ज, दिस इज अ पैक ऑफ 4। फाइन, अभी मैंने 2 निकाले हुए थे जस्ट टू टेस्ट दिस एंड आई विल शो यू वन थिंग, दैट इज दिस इज द ओरिजिनल साइज विच इज विदाउट वॉटर एंड ऑल दैट। दिस इज ऑल्सो स्पॉन्जी एंड दिस वन यू कैन सी द डिफरेंस। ये मैंने गीला किया हुआ है एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट और बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देता है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। The beauty blenders are awesome by Purple. Then I got the lipstick, a liquid lipstick, comfy matte from Faces Canada in the shade 15, which is Full Fun, I guess. This is the name. Full of Fun 15, yes. And it is a very nice, rusty, brownish shade. I love these kinds of shades. Because I think that my skin tone pe aisa sa shade bahut pyara lagta hai. I'll show you. This is the shade. दिस इज वेरी मच कम्फर्टेबल, दिस इज वेरी मच लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने कोई लिपस्टिक लगाई है या बहुत ज्यादा मैट हो रही है, तो कई बार लिप्स ड्राई हो जाते हैं, चैप हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, ऐसी सी कोई फीलिंग नहीं आती। दिस इज द शेड, वेरी नाइस शेड। देन आई गॉट द 3 न्यू लॉन्चेस बाय मेबलिन, दीज आर देयर मेबलिन 24 आवर्स इंक मैट इंक लिपस्टिक एंड दीज आर द न्यू शेड विच इज 390, 400 and 425. I'll show you the swatches also. This is the 390 and the name is Life of the Party. This is a very pinkish shade. आगे जो festive season आ रहा है उसमें ये बहुत अच्छा लगेगा use किया हुआ, तो I'll show you. Cool tone वाला pink है बहुत। और ये lipsticks का अगर मैं review की बात करूँ तो सबको पता है कि these are very much long lasting, non transferable lipsticks. Then I'll show you 400 and the name is Showrunner. ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत न्यूड साइड पे हो सकता है, आई गेस। बहुत प्यारा सा शेड है इसका भी, दिस इज न्यूडिश पिंकिश सॉर्ट ऑफ अ शेड। दिस इज द शेड 400 एंड देन आई हैव 425 बेस्ट होस्टेस और ये भी अच्छा लग रहा है शेड तो। This is the shade. I'll show you. Best Hostess. ये तीनों शेड जो हैं आगे फेस्टिव सीजन में जरूर चलेंगे, स्पेशली दिस वन, क्योंकि आगे ब्राइट मेकअप्स हैं, ब्राइट हमारे कपड़े बहुत ऐसे इन कलर्स के होते हैं जिनके साथ ये शेड बहुत अच्छी तरीके से सूट करेगा और न्यूज में ये वाला चल जाएगा और ये भी न्यूज में चल ही जाएगा। तो दीज आर ऑल दी बाइज दैट आई हैव गॉट फ्रॉम purple.com। मैंने बहुत टाइम से ये चीजें जो है वो कार्ट में ऐड की हुई थी बट फाइनली जब फेस्टिव सीजन वाली सेल लगी तो मैंने सब कुछ बाय किया है। आप भी जो भी प्रोडक्ट्स आपको रिक्वायर्ड हो वो कार्ट में ऐड कर लो, जब भी आपको सेल की ऑप्शन मिले उस पर तो जरूर बाय करो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।